भिंड पुलिस ने बच्चों के अंधे कत्ल का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि स्कूल संचालक ने तथा कथित पत्रकार सहित 5 आरोपियों के सहयोग से वारदात को अंजाम दिया। बच्चों के अपहरण कर फिरौती के लिए योजना बनाई गई थी, जिसमें सफलता न मिलने पर मासूम की हत्या कर दी गई। आरोपियों आपको बता दें कि पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो मामला जिले के श्रीरामनगर अटेर रोड देहात थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को 11 वर्षीय आर्यन शर्मा अपने घर से बाहर खेलते हुए लापता हो गया था। जब देर तक घर नहीं लौटा तो आर्यन के पिता ने देहात थाना पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस और परिजन लगातार छानबीन करते रहे, लेकिन सुबह घर के पास बोरी में बालक का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। SP शैलेंद्र सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया, जहां डॉग स्क्वाड और FSL की टीम जांच में जुटी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। जिसके बाद SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभालते हुए संदेह होने पर पास के स्कूल की तलाश ली तो कुछ साक्ष्य मिले। पुलिस ने स्कूल का संचालक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते उसका स्कूल बंद रहा, जिसके कारण उस पर कर्जा हो गया। कर्जा चुकाने के लिए उसने आर्यन के अपहरण की प्लानिंग बनाई। SP शैलेंद्र सिंह चौहान ने घटना को दुखद बताते हुए लोगों से अपील की कि अपने बच्चों का घर से निकलते समय ध्यान रखें। तत्काल पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उसकी जो कार्रवाई थी पुलिस के द्वारा उसमें की गई, उसका पंचनामा वगैरह बनाया गया और उसके एफएसएल वगैरह डॉक्टर से लिखवाया गया और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी वहाँ पे घटनास्थल का पता लगाने का प्रयास किया कि कौन इस घटना में संदिग्ध हो सकता है। इसके उपरांत वहाँ से डेडबॉडी को भेजकर उसका PM वगैरह कराया गया और फिर पुलिस उसमें मौके पे लगी। वहाँ मौके पे घटनास्थल को घटनाक्रम जिस प्रकार से हुआ था, जो जगह थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो मौके पर सूचना पुलिस को मिली।